गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। मैं हूं मिष्टी और आज मैं आप सबके साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूं। गाइस मैं हमेशा मेरी चैनल पर आप सबके लिए ऑनेस्ट वाली रिव्यू लाती हूं ताकि आप सब सही प्रोडक्ट चुनकर सही प्रोडक्ट यूज करके आपकी स्किन की अच्छे से देखभाल कर पाओ। और मैं हमेशा अफोर्डेबल रेंज में अच्छी प्रोडक्ट लाने की कोशिश करती हूँ, तो कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट आज भी मैं लाई हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं जो प्रोडक्ट की रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एल्ब्स गुडनेस की राइस लिकोरिश निसिनामाइड ब्राइटनिंग सीरम। ये देखो दोस्तों, ये एल्ब्स गुडनेस की तरफ से है और ये इसमें राइस लिकोरिश और निसिनामाइड है। ये एक ब्राइटनिंग सीरम है, लेकिन हाँ ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए है, तो ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन दे देती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है या फिर नॉर्मल है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन है, बहुत ज़्यादा ऑयली है, सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तब आप इससे दूर रहना, क्योंकि तब ये और ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड कर देगी और एक्ने की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, अगर आपकी स्किन टोटल ड्राई स्किन है, या फिर अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन टाइप ऑफ है, तो आप इसे यूज कर सकते हो इजीली। तो ये है एल्ब्स गुडनेस की राइस लिकोरिश निसिनामाइड ब्राइटनिंग सीरम फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। आज मैं इसकी रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये सेकेंड टब है, ये देखो ये मेरी सेकेंड टब है, और एक जो कि मैंने खत्म कर चुकी हूँ, ये देखो वो है ये, तो आप देख सकते हो एक खत्म की है मैंने, फिर दूसरी वाली भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। इतना सा है, मुझे फिर से ऑर्डर प्लेस करनी है इसकी। और मेरी स्किन तो कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ है, लेकिन मेरी जो चीन एरिया है ना बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मैं कभी कभी रात में इसे यूज़ कर रही हूँ अभी, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन, टोटल कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ बन गई है, कि टी जोन बहुत ज़्यादा ऑयली, एक्ने प्रोन और चीन एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई। लेकिन मेरी मम्मी इसे रेगुलर बेसिस में, मैं इस वाली बात बोल रही हूँ, रेगुलर बेसिस में इसे यूज़ कर रही है। मेरी मम्मी की शायद तीसरा या चौथा बॉटल चल रही है, वो एवरी डे इसे यूज़ करती है और इतनी वो बस इसे कभी नहीं छोड़ेगी। मैं भी इसे यूज़ करती हूँ, हाँ फिलहाल मैं दिन में इसे यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ है, तो मैं अभी दिन में इसे यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन रात में कभी कभी जब भी मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि क्यों मैं इसे यूज़ करती हूँ, उसका रिव्यू तो मैं आप ज़रूर आपके साथ अभी शेयर करूँगी कि इसमें क्या क्या है और क्या फ़ायदे हैं। तो बस आप एक बार ये रिव्यू बिना स्किप किए देखें, और अगर आपकी स्किन नॉर्मल या फिर ड्राई है तो आप ज़रूर इसे यूज़ करें, ताकि कोई भी पिगमेंटेशन, कोई भी डार्क स्पॉट, कोई भी टैन आपकी स्किन पर ना रहे। तो बस आप पूरी रिव्यू ज़रूर देख लो। तो चलो रिव्यू शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है राइस लिकोरिश एंड नियासनामाइड ब्राइटनिंग सीरम फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन फ्रॉम एल्ब्स गुडनेस। मैं आपको इसकी आउटर पैकेजिंग दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो एब्स गुडनेस की प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। इसकी साइड व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ बॉक्स की, आप देखो कि इसमें यूजेज लिखी हुई है, कॉशन दी गई है कि आपको पहले पैच टेस्ट एक बार कर लेनी है, और इंग्रेडिएंट्स सभी कुछ है जो कि जिसकी अलग से मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी, और इसकी शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स और प्राइस है 325 रुपीज़। लेकिन हाँ, मुझे ये 224 में मिली थी, क्योंकि मैं सेल पर खरीदी थी पर्पल से। आप भी सेल पर ही ख़रीदा करो तो आपको सस्ती मिल जाएगी। और एल्ब्स गुडनेस की प्रोडक्ट है तो मिनरल ऑयल फ्री, क्रुएल्टी फ्री, वेगन प्रोडक्ट होते हैं, सिलिकॉन फ्री, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री प्रोडक्ट होते हैं। इसकी इनर पैकेजिंग आप देखो, कांच की बॉटल है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, तो थोड़ी सावधानी से हैंडल करें, क्योंकि कांच की बॉटल है। और बॉटल में भी सभी कुछ जो 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 बॉक्स पर लिखी हुई है वही सारी कुछ लिखी हुई है, तो आपको अलग से बॉक्स रखने की ज़रूरत नहीं है, बॉटल से ही आपको सब पता चल जाएगी। और मैं आपको इधर क्वांटिटी दिखा रही हूँ कि कितना सा रह गया है, और अब टेक्सचर देखो, एक थिक सा टेक्सचर है, वाइट बेस पर है, और क्योंकि ये इसमें राइस है तो वाइट बेस पर तो होगी ही। और मैं आपको हाथ पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि कितनी थिक है और ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है एक, और अप्लाई करने के साथ साथ एक ग्लो प्रोवाइड कर देती है, यकीन मानो एकदम से। मैं आपको एप्लीकेशन पार्ट दिखा दूंगी, आप देखना कि मेरी स्किन
साथ साथ अप्लाई करने के साथ साथ ही एक प्लम्पनेस महसूस कर रही थी। मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी और देखो एकदम से हाथों में मेरी ये अब्जॉर्ब हो गई है, बहुत अच्छी वाली है। ज़रूर एक बार इसे ट्राई करो, एक बार ज़रूर इसे ट्राई करो। तो एप्लीकेशन पार्ट मैं दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। रात के 2 बजे थे तो थोड़ी नींद आ रही थी, लेकिन हाँ फिर भी शूट तो करनी है। तो मैंने जो रेगुलर रूटीन है फेस वॉश और टोनर की, वो मैं कर ली थी, और अभी बारी है सीरम की, और मैं ये सीरम आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। बहुत अच्छी वाली है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। इसमें राइस लिकोरिश नियासनामाइड है दोस्तों। राइस ब्लेमिशेस डार्क स्पॉट को ट्रीट करती है अच्छी तरह से, लिकोरिश आपकी स्किन कम्प्लेक्शन को ब्राइटन कर देती है, नियासनामाइड अगर अपनी आपकी स्किन टोन को एकदम से इवन टोन बना देती है। अगर आपकी डल स्किन है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स है, ब्लेमिशेस है, तो ज़रूर इसे रात को अप्लाई करें, रात को ही अप्लाई करें, ताकि ये अच्छे से आपकी स्किन के ऊपर काम कर पाए। ये आपकी स्किन से डलनेस हटा देगी, एकदम से ब्राइटन कर देगी, ब्लेमिशेस हटाकर आपकी कम्प्लेक्शन को एकदम से परफेक्ट बनाकर एक अच्छी वाली ग्लो प्रोवाइड कर देगी। बहुत अच्छी वाली है, एब्स गुडनेस की प्रोडक्ट है ना, तो हम इसे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये वेगन एकदम से वेगन प्रोडक्ट होते हैं। बहुत अच्छी वाली प्रोडक्ट है ज़रूर, और मैं इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको अटैच कर रही हूँ, सबके बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ इसमें नियासनामाइड, ग्लिसरीन, सेलुलोज, जो कि आपकी स्किन को कभी भी रिंकल नहीं आने देगी स्किन में, विच हेसल एक्सट्रैक्ट है जो कि ग्लो प्रोवाइड करेगी, राइस है इसमें, तो आप सोच सकते हो कितनी अच्छी वाली प्रोडक्ट है। एक बार ज़रूर इसे ट्राई करो, और मैं आपको बोल भी रही हूँ, देखो कि कितनी प्लम्पनेस मुझे महसूस हो रही है, ग्लो आप देखो कितनी अच्छे से ग्लो आ गई है मेरी स्किन के ऊपर इसे लगाते ही। तो ज़रूर इसे एक बार ट्राई करो, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपको, फिर आप इसे छोड़ोगे नहीं। तो ये थी मेरी आज की रिव्यू, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ मेरी चैनल को, इस वीडियो को, और अगर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर जाना, और जो बेल बटन है ना टिंग टिंग वाली, उसे भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी दी गई हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन बाय, टेक केयर।